यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करें एक ऐसे बेहतरीन शेयर जो कि आप किसी भी गिरावट में बाय कर सकते हैं और निश्चित रूप से ये लॉन्ग टर्म में ये ब्लू चिप स्टॉक्स आपको काफी बेहतरीन रिटर्न देंगे। देखिए शेयर प्राइस के चार्ट की बात है, सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करते हैं, वीकली चार्ट को, फिर हम इसके डेली चार्ट पर जाएंगे। देखिए ये स्टॉक्स अभी हाई लगा चुका है 1486 रुपीज का और वहां से स्टॉक्स फिर थोड़ा सा करेक्शन में दिखा है और अभी 1438 रुपीज में मिल रहा है। और देखिए स्टॉक्स काफी वोलेटाइल रहा है, ये जो रैली आपको आया ये 957 रुपीज से यहां तक का रैली दिखाया 1486 रुपीज तक का। उससे पहले ये स्टॉक करेक्शन भी दिखाया था, देख सकते हैं काफी उतार चढ़ाव रहा है इस स्टॉक में, वोलेटाइल रहा है लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स। और उससे पहले 2020 के गिरावट में पैंडेमिक में ये स्टॉक्स मिल रहा था मात्र 450 रुपीज पे और ये 450 रुपीज आया था 808 रुपीज से गिर करके। तो देखिए कितना वोलेटाइल है लॉन्ग टर्म में। अगर आप बात करें तो ये 800 तक का जो जर्नी है वो पिछला जो मतलब गिरावट फाइनेंशियल क्राइसिस में, तो वहां पर देखिए ये स्टॉक्स मात्र मिल रहा था 10 रुपीज पे, तो वहां से 80 टाइम्स का रिटर्न दिया आपने इन्वेस्टर को पिछले 10 सालों में, मतलब 2009 से लेकर के 2020 तक में 80 टाइम्स का रिटर्न। और यहां पर जो गिरावट हुआ था देखिए कितना बड़ा गिरावट था, 75 रुपीज से के अप्रोक्स से ये गिरावट आया था और यहाँ पर ये स्टॉक्स अपना लो बनाया था लगभग 10 रुपीज से नीचे का। तो देखिए कितना बड़ा गिरावट, इतना ज्यादा गिरावट होता है लॉन्ग टर्म में एक स्टॉक्स में जब कोई भी क्राइसिस आता है। तो जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या कोई पैंडेमिक के कारण गिरावट हो तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है वहां पे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि वहां पर स्टॉक्स हमें काफी डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है। यहाँ देखिए 2009 में जो गिरावट आया था तो इस स्टॉक का जो प्राइस था वो पिछले 5 साल से न्यूनतम प्राइस पे ये स्टॉक्स आपको मिल रहा था, तो वहां पर आप निश्चित रूप से उस स्टॉक को बाय कर सकते थे जो कि पिछले 5 साल के न्यूनतम प्राइस पे आपको मिल रहा था। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी का हमेशा वेट कीजिए, जब भी गिरावट मिलता है स्टॉक को जरूर बाय कीजिए। अब देखिए हम चलते हैं डेली चार्ट पर, ये तो जर्नी हुआ स्टॉक्स का। अगर अभी बात करें तो देखिए स्टॉक्स फिर से यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो साइन दे रहा है वो बुलिश साइन दे रहा है। यहाँ पर अगर ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करने में सफल हो जाता है जो कि है 1486 रुपीज का, तो फिर यहां से आराम से ये स्टॉक जो है ऊपर 1600 तक का जर्नी दिखा सकता है। मतलब ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में स्टॉक ऊपर जाता है नीचे आता है, काफी वोलेटाइल रहता है मार्केट। और यहां पर जो सपोर्ट ये रिसेंट टाइम में बनाया है वो है 1390 रुपीज का, तो इसके नीचे आता है तो फिर ये स्टॉक करेक्शन दिखा सकता है और ये करेक्शन आपको इस स्टॉक को लेकर आ सकता है 1270 रुपीज तक, यहां से 1270 रुपए तक ये स्टॉक आ सकता है अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो। तो दोस्तों ये स्टॉक्स जो है काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और ये स्टॉक्स है हेबल्स, हेबल्स इंडिया, काफी बेहतरीन स्टॉक और काफी बेहतरीन इसका बिजनेस है। अगर बात करें हेबल्स इंडिया का 88,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वहीं कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है वह है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में और कंपनी जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मुख्य रूप से इक्विपमेंट बनाती है और ग्लोबल प्रेजेंस रखती है कंपनी, डोमेस्टिक के साथ साथ ग्लोबल प्रेजेंस। और यहाँ पर जो कंपनी डोमेस्टिक सर्किट प्रोडक्शन डिवाइस बनाती है, मतलब जो सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है, केबल्स बनाती है, वायर्स बनाती है, मोटर बनाती है, फैन बनाती है और मॉड्यूलर स्विच बनाती है, साथ ही साथ होम अप्लीकेशन एयर कंडीशनर बनाती है, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर बनाती है, पावर कैपेसिटर बनाती है, लुमिनर फॉर डोमेस्टिक और कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इतने सारे कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाती है और उसको सेल करती है। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर डिविडेंड यील्ड का, तो 0.46% का डिविडेंड यील्ड है कंपनी का और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 20% से ज्यादा है, तो कंपनी काफी सॉलिड है, काफी बेहतरीन है लॉन्ग टर्म के लिए। साथ ही साथ प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 59.5% है प्रमोटर्स का होल्डिंग, तो प्रमोटर्स होल्डिंग काफी जबरदस्त है कंपनी में, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट इक्विटी 0.10 का है, तो डेट इक्विटी भी काफी शानदार है। और बात करें वहीं रिजर्व का, 5114 करोड़ का यहां पर रिजर्व है कंपनी के पास और कंपनी का जो डेट है
521 करोड़ का है। कंपनी के ऊपर डेट काफी कम है जबकि कंपनी का प्रॉफिट काफी जबरदस्त है 1216 करोड़ का। और बात करें कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ का और जो सेल्स ग्रोथ है, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आइए, देखिए सेल्स 2010 में कंपनी का जो सेल्स था 5000 करोड़ का था, जहां से लगातार बढ़ा और लगातार बढ़ते बढ़ते 2021 देखिए 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है, डबल हो चुका है यहाँ पर कंपनी का सेल्स। और प्रॉफिट की बात करें मात्र 70 करोड़ का था 2010 में, जहां से कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ और साथ साथ प्रॉफिट भी 70 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट लगातार इंक्रीज होकर के 1000 करोड़ पहुंच चुका है। तो यहां तो प्रॉफिट में काफी जबरदस्त जंप है। अगर इस जंप की बात करें तो सेल्स ग्रोथ मात्र 7% के CAGR से हुआ है जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 13% के CAGR से। तो समझ सकते हैं कितनी सॉलिड ये कंपनी है। इस तरह के सॉलिड कंपनी में आपको जरूर निवेश करना चाहिए, तभी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट होगा। उसके बाद अगला है बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट भी काफी जबरदस्त है, शेयर कैपिटल है 63 करोड़ का और जो रिजर्व है कंपनी के पास 369 करोड़ का। और यहां से रिजर्व जो कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है और टोटल रिजर्व हो चुका है 5000 करोड़ का। और साथ साथ डेट की बात करें 1000 करोड़ का डेट था कंपनी के ऊपर 2010 में, जहां से डेट जो है कंपनी का वो लगातार रिड्यूस किया है, लेकिन यहां पर 2021 में थोड़ा सा डेट बढ़ा है। तो डेट पे ध्यान रखना है, डेट कंपनी इंप्रूव करती है निश्चित रूप से शेयर प्राइस में काफी जबरदस्त तेजी हमें देखने मिलती है, क्योंकि डेट रिमूव होना मतलब कंपनी का जो लायबिलिटी है वो कम होता है, लायबिलिटी जब कम होती है तो शेयर प्राइस में जबरदस्त ग्रोथ देखने मिलता है। वहीं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो देखिए हमेशा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव रहा है और थोड़ा सा कभी बढ़ा है और कभी घटा है। साथ ही साथ इन्वेस्टर की बात करें तो प्रमोटर्स का स्टेक जो इस कंपनी में 59% है, देखिए काफी जबरदस्त इसमें प्रमोटर्स का स्टेक है कंपनी में। एफआईज का स्टेक 24% है, तो एफआईज थोड़ा सा स्टेक यहाँ पिछले 2 सालों में 1% से घटा है। डीएच का स्टेक बढ़ा है 5% से 8% हो चुका है। पब्लिक स्टेक यहाँ पर 9% था, घट करके 8% हो चुका है। तो कुछ इस तरह से मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी का। ओवरऑल कंपनी काफी जबरदस्त है और कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है डिटेल में देखना है तो आप कंपनी के वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए। कंपनी वेबसाइट पर आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, जो कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी को बिजनेस को किस तरह से प्रोग्रेस करेगी फ्यूचर में। तो यहाँ पर देखिए कंपनी जैसे आप वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर आप जो डिफरेंट कंपनी जो है अपना सेक्शन बनाए हुए वेबसाइट पर, उस वहाँ पर जाकर के आप कंपनी के बारे में अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के अलग अलग बिजनेस के फ्यूचर के बिजनेस प्लान के बारे में पढ़ सकते हैं और प्रोडक्ट का यहाँ पर फिगर के रूप में आप देख सकते हैं कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है। ये सारे प्रोडक्ट जो दिख रहा है आपको फिगर में, ये सारे प्रोडक्ट कंपनी निर्माण करती है। और यहाँ पर मुख्य रूप से आप देखिए फैंस हो गया, एल्काइड वाटर प्यूरिफायर एप्लीकेशन हो गया, और यहाँ पर आप जो है कंपनी जो है साथ साथ स्विच भी बनाती है। तो फिर अगर आपने फिगर में देखने से नहीं आपने मतलब समझ पाया तो यहाँ पर आप इंडस्ट्रियल में जाइए तो देखिए हैवी ड्यूटी फैंस बनाती है और यहाँ पर प्रोफेशनल लाइटिंग बनाती है, केबल्स मोटर्स स्विच गियर और साथ साथ पावर क्वालिटी सॉल्यूशन सोलर बनाती है। साथ साथ कंपनी अभी तो सोलर भी बना रही है। तो इतना ज़्यादा कंपनी जो इंडस्ट्री क्षेत्र में और साथ साथ कंज्यूमर सेक्टर में फैन लाइट एप्लीकेशन स्विच स्विच गियर वाटर हीटर देखिए फ्लेक्सिबल केबल एयर कूलर पंप प्रोफेशनल जो ग्रूमिंग के लिए यूज होता है वाटर प्यूरिफायर और सोलर, तो सोलर तो इंडस्ट्री और कंज्यूमर दोनों के लिए बनाती कंपनी। तो काफी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ऐसे कंपनियों में जरूर इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतरीन रिटर्न देगा ये स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में। तो उम्मीद करती हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह के एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।